वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट है आपका बाय स्टेबल मल्टीवैल्यूएटर। बाय का मतलब होता है टू, ड्यूअल इनपुट। अगर आपकी बात करें तो बाय स्टेबल मल्टीवैल्यूएटर के आउटपुट पर दो स्टेबल स्टेट होती है, 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से आपके आउटपुट वेव फॉर्म आपको मिलना स्टार्ट होती है। आपका आउटपुट जीरो पर बना रहेगा, जीरो अपने आप में एक स्टेबल स्टेट है। जब आप उसको एक बार ट्रिगर करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो जीरो से वन पर चला जाएगा। वन भी उसकी स्टेबल स्टेट है, आउटपुट वन पर बना रहेगा। जब आप वन पर फिर से ट्रिगर अप्लाई करोगे तो आपका आउटपुट जो है वो वन से कहां पे आएगा, जीरो पे। तो बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में आपको दो ट्रिगर अप्लाई करेंगे। मोनो स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हमने एक ट्रिगर अप्लाई करा था और ए स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर में हमने सर्किट को बिल्कुल भी ट्रिगर नहीं दिया था। दिस इज योर बाई स्टेबल मल्टीवाइब्रेटर। चलिए इसकी वर्किंग स्टार्ट करते हैं। Q1 और Q2 बिल्कुल आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स हैं। जैसे ही आपने प्लस वीसीसी सप्लाई स्टार्ट करी, प्लस वीसीसी सप्लाई ऑन करी, आपका Q2 ट्रांजिस्टर ने कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया। इनिशियल अजम्पशन हमने लिया Q2 कंडक्ट कर रहा है, और आप देख सकते हैं हमने जो आउटपुट लिया है वो Q2 ट्रांजिस्टर के थ्रू लिया है। तो इनिशियली आपको आउटपुट जो मिल रहा है वो जीरो मिल रहा है। अगर Q2 ट्रांजिस्टर आपका कंडक्ट कर रहा है तो इसका जो कलेक्टर का पोटेंशियल है वो कम होगा। ये डिक्रीज्ड पोटेंशियल Q1 के बेस के ऊपर सप्लाई किया जाएगा, और Q1 अभी आपका कट ऑफ रीजन में है। कट ऑफ रीजन में, अगर Q1 कट ऑफ में है तो इसका जो कलेक्टर का वोल्टेज होगा VC वो हाई होगा। चलिए अब हम पहला एक नेगेटिव ट्रिगर इनपुट देते हैं Q2 ट्रांजिस्टर को। तो जैसे ही आपने एक नेगेटिव ट्रिगर इनपुट दिया Q2 ट्रांजिस्टर को, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ट्रिगरिंग होती है वो बहुत ज्यादा मैग्नीट्यूड की पल्स होती है जिसकी ड्यूरेशन बहुत कम होती है। ये जो नेगेटिव गोइंग पल्स है ये Q2 ट्रांजिस्टर के बेस पर जाएगी। अगर आप ट्रांजिस्टर के बेस पर लो वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आपका जो ट्रांजिस्टर है वो सैचुरेशन रीजन से कट ऑफ रीजन की तरफ मूव करेगा। तो आपका ट्रांजिस्टर Q2 जैसे ट्रिगर करेंगे वो कट ऑफ रीजन की तरफ जाएगा। अगर आपका ट्रांजिस्टर Q2 कट ऑफ रीजन की तरफ जा रहा है तो इसका जो कलेक्टर का पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको आउटपुट 0 से 1 मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपका आउटपुट इनिशियली 0 से 1 पर यहां पर मेंटेन्ड है और इसका जो कलेक्टर का पोटेंशियल है वो यहां पर इंक्रीज हो चुका है, यानी कि VC की वैल्यू अब यहां पर बहुत ज्यादा है। ये रही इसकी पहली स्टेबल स्टेट। आउटपुट इस स्टेबल स्टेट पर बना रहेगा। अगर आपको दूसरी स्टेबल स्टेट चाहिए तो आप बेसिकली Q1 ट्रांजिस्टर के बेस पर एक ट्रिगर इनपुट को अप्लाई करेंगे, नेगेटिव पल्स को। जैसे ही आपका Q1 ट्रांजिस्टर पर आप एक नेगेटिव गोइंग पल्स को आप अप्लाई करेंगे तो आपका Q1 ट्रांजिस्टर जो है एक इस पे नेगेटिव पल्स जैसे आप अप्लाई होगी तो आपका Q1 ट्रांजिस्टर के बेस पर जीरो वोल्टेज जाएगा। अगर इसके बेस पर जीरो वोल्टेज जाएगा तो कलेक्टर का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर इसका कलेक्टर का पोटेंशियल बहुत इंक्रीज हो चुका है तो ये इंक्रीज्ड वोल्टेज अब Q2 के बेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। इतना हाई वोल्टेज अब Q2 के बेस के ऊपर जाएगा तो अब आपका जो Q2 ट्रांजिस्टर है वो कट ऑफ से मूव करेगा सैचुरेशन रीजन की तरफ, और सैचुरेशन रीजन में जो कलेक्टर का पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो जाता है। तो आपको 1 से फिर से आप आ जाएंगे 0 पे, दूसरी स्टेबल स्टेट। 0 पर आपका सर्किट चलता रहेगा। अगर आपको वापस से 0 से 1 पर जाना है तो आप फिर से Q2 ट्रांजिस्टर को ट्रिगर करेंगे तो फिर से आपका आउटपुट जो है वो 0 से 1 पर चला जाएगा। दिस वॉज योर बाय स्टेबल